या फिर लीच थेरेपी या आयुर्वेदा में पंचकर्मा की ट्रीटमेंट है, ये सभी पेशेंट्स को दिए जाते हैं, चिल्ड्रन से लेके द टीनेजर्स या एडल्ट्स या मेनोपॉजल पेशेंट में इसके 110% रिजल्ट है। जब भी आपको किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस या फिर ईचिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, ब्लैक एंड व्हाइट पैच बॉडी पे फॉर्म हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो इसके लिए परमानेंट इलाज आपको ढूंढना चाहिए। इसके कम्प्लीटली क्योर आप आयुर्वेदा से हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को लेप देते हैं अफेक्टेड एरिया पे लगाने के लिए और फास्टेस्ट रिकवरी के लिए जलों का उच्चारण या फिर लीच थेरेपी देते हैं या फिर रक्तमोक्षण ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि ब्लड निकाल लिया जाता है 5 से 10 ml नीडल से। ये 5 to 10 सेशन या 15 सेशन भी किसी पेशेंट में दिया जाता है। विद इन 1, 2 or 3 सेशन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। विद इन 5 सेशन में तो पूरे ब्लैक और व्हाइट पैचेस गायब होना शुरू हो जाते हैं और विद इन फ्यू मंथ्स इसमें कंप्लीट रिकवरी आ जाती है। इसमें नीम को ऑयल लगाने के लिए देते हैं, नीम बॉडी खाने के लिए देते हैं या फिर नीम के पत्ते भी आप खा सकते हैं। मेडिमिक्स या नीम साबुन ही यूज़ करने के लिए देते हैं, पेशेंट को केमिकल्स यूज़ करने के लिए मनाई करते हैं। शैम्पू भी नीम या फिर एलोवेरा ऐसे दिया जाता है। तुलसी के पत्ते 11-11 सवेरे शाम खाना चाहिए। इसमें लिक्विड्स बहुत पीना चाहिए। जितना ज़्यादा लिक्विड आप पानी इंटेक करेंगे, पानी पिएंगे या फिर गाय के दूध की दूध पीना चाहिए हल्दी वाला या फिर दही छाछ पीना चाहिए, जिससे कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा करवाते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन कंप्लीट एरिया में हो जाता है और थोड़े दिनों में पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाता है।